वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिए हुए हैं, जहाँ प्लेन फैब्रिक लिया है हमने 1/2 मीटर और प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हम लेंगे 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है लाइन ड्रॉ करते हुए। और चेस्ट का पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 7 इंचेस और आर्म होल ड्रॉ करना है हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस तरह से। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमने रखी है 16 इंचेस और यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है 2 इंचेस। वो हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है इस तरह से और इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पे प्लेन फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है इस तरह से। तो प्लेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया है इसे भी हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें सीधा रखना है। और अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे एज इट इज मार्क कर लेना है। और यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हमें नेक ड्रॉ करना है इस तरह से 1 इंच जितना और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पे हमें मार्किंग करना है पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें आर्म होल से नीचे की तरफ हमें 3.5 इंच इतना मार्क करना है डाउन पे। और यहाँ पे राइट साइड में भी हमें नेक पार्ट से नीचे की तरफ 3.5 इंच इतना मार्क करना है। और यहाँ पे हमें इस तरह का शेप ड्रॉ करना है पैटर्न के लिए और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे। तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं और इसे फिर से हमें सेंटर से फोल्ड करना है अच्छे से और यहाँ पे हमें कट लगाना है। और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से 2 2 पीसेस मिल गए हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से सिले लगानी है यहाँ तक दोनों पार्ट में। इस तरह से हम सिले लगाएंगे। ये देखिए, हमने सिले लगाए हैं और अब यहाँ पे हल्के हाथों से अब नोचेस लगाएंगे। जहाँ हमने सिले लगाए हैं वहाँ पे हमें हल्के हल्के हाथों से कट्स लगाने हैं इस तरह से। और कट्स लगाने के बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है यहाँ से।
ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं और यहाँ पे हमने बेस फैब्रिक कट किया हुआ है पार्ट को सीधा इसके ऊपर रखते हुए, इसके ऊपर हमें इसे उल्टा रखना है और हमें आर्म होल में, नेक पार्ट में और आर्म होल में हमें सिरे लगानी है। ये देखिए हमने सिरे लगा दी है और यहाँ पे हमने कट्स लगा दिए हैं और इसे हमें राइट साइड पर टर्न करना है। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है और इस तरह से हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है और यहाँ पे बैक पार्ट के लिए हमें इस तरह की दो स्ट्रिप्स कट की हुई है जिससे हमें इस तरह से फोल्ड करना है 2.5 इंच जितना है हमारा। ये यहाँ पे बटन्स लगाने के लिए हमने इस तरह से हमें इसे अरेंज करना है और इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है और हमें सिरे लगानी है और स्ट्रिप्स को अटैच करना है इस तरह से दोनों तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और हमें सिरे लगानी है इस तरह से। ये देखिए हमने दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर ली है इस तरह से और इसे हमें फ्रंट पार्ट पे इस तरह से अरेंज करना है। सीधा इसके ऊपर हम अरेंज करेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है यहाँ पे और यहाँ पे हमें बटन अटैच करना है इसलिए। और यहाँ पे प्रिंटेड फैब्रिक से हमने इस तरह का रेक्टेंगल पीस कट किया हुआ है जिसे हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमें टू एंड हाफ इंच जितना मार्क करते हुए हमें मार्किंग करना है और यहाँ पे हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है मार्किंग को मिलाते हुए, फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए हमें, और हमें इस यहाँ पे कट लगाना है इस तरह से। और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को मिलाते हुए इसे अरेंज करना है इस तरह से। और यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें उल्टा रखना है और हमें सिले लगानी है और इसके बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिले लगानी है। ये देखिए हमने सिले लगा दी है और यहाँ पे पैटर्न हमने रेडी कर ली है। फ्रंट और बैक के दोनों शोल्डर्स को हमें अटैच कर लेना है इस तरह से, ऊपर से सिले लगा के हमें दोनों शोल्डर सबसे पहले अटैच कर लेने हैं। देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं सिरे लगा के और ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है इससे हमें यहाँ पे अरेंज करना है और इसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें मिलाते हुए सीधा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाना है यहाँ पे और ऊपर से सिरे लगा के टॉप और बॉटम को हम ज्वाइंट करेंगे बैक पार्ट में इस तरह से। ये देखिए हमने सिरा लगा दी है, अब इसे हमें राइट साइड पर टर्न करना है और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें रिमूव करना है मार्किंग करते हुए इस तरह से। तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट भी रेडी कर लिया है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे हमें रिमूव कर लेना है इस तरह से। तो हमारा बैक का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक से इस तरह की दो स्ट्रिप्स कट की हुई है जिससे हम नीचे की तरफ पैटर्न करेंगे। तो जिसकी लेंथ हमने ली है 5 इंचिस
और ब्रॉडनेस हमने ली है 23 इंचेस, जिससे हमें दोनों पार्ट पे नीचे की तरफ उल्टा रखना है बॉर्डर को मिलाते हुए, और हमें सिला लगानी है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे, हमें स्टिप्स को उल्टा रखते हुए सिला लगानी है। ये देखिए हमने सिला लगा दी है और इस राइट साइड पे टर्न किया है दोनों पार्ट पे इस तरह से। अब यहाँ पे हमने फ्रॉक को डेकोरेट करने के लिए इस तरह की लेस ली हुई है, जिससे हम दोनों पार्ट की जो जॉइनिंग है वहाँ पे हमें इस तरह से अरेंज करना है और ऊपर से सिला लगा के लेस को अटैच करना है, और नीचे की तरफ भी हमें लेस को अटैच करना है इस तरह से। ये देखिए हमने लेस अटैच कर ली है और फ्रॉक को डेकोरेट कर लिया है हमने। अब यहाँ पे फ्रॉक को हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए, तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें अच्छे से मिलाना है, और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों तरफ से हमें 1 इंच की गैप पे सिले लगानी है और इससे फिटिंग करना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिले लगा के इससे राइट साइड पे टर्न कर लिया है, और ये जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर है इससे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिले लगाएंगे पूरे राउंड में। ये देखिए हमने सिले लगा दी है, फ्रॉक को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे, और यहाँ पे दो बटन्स लिए हुए हैं हमने जिसे यहाँ पे हमें अटैच करना है इस तरह से अरेंज करते हुए, और यहाँ पे आई बनाते हुए हमें इसे अटैच करना है। तो इसी के साथ ये वेव फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर वेव फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।